तो गाइस यहाँ देखिए जगुआर क्रैश हो चुकी है, पीछे ही लगा लो अभी। गाड़ियाँ फंसी हुई है क्या? गाड़ियाँ फंसी हुई है। फंस गए भाई, आज तो फंस गए। बर्फ बहुत ज्यादा है, गाड़ी फिसल रही है। नीचे देखिए टायर कैसे फ्री हो चुका है, देखिए अपने आप चल रही है गाड़ी, अपने आप फिसल रही है। देखो भगवान भी सोच रहा है जाते जाते भी एडवेंचर लेकर जाओ तुम्हारा पूरा, पता नहीं क्या होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले उपशी। ले के जस्ट 40-50 किलोमीटर आगे कारू के बाद आता है उपशी। यहाँ हमें कल रोक लिया गया था, एक लंबी कहानी है लेकिन आपको शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पर क्या है हमें पता नहीं था, सुबह 10 बजे के बाद एंट्री अलाउ नहीं है मनाली की तरफ, और हम 3 बजे तक मैं और अन्वेश भैया पेंगोंग लेक से नीचे आ चुके थे। 3:30 बजे तक हम यहाँ पर चेक पोस्ट पर आए और यहाँ पर बोल दिया भैया आप आगे नहीं जा सकते। ऐसा दिमाग खराब हुआ गाइस, 1 घंटे तक उनको हमने समझाया कि भैया हमें वैसे भी आगे नहीं जाना, हम वैसे 40-50 किलोमीटर पर रुक जाएंगे, लेकिन नहीं माने, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला आप आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा कराइए और सुबह 5 बजे वापस लेने आइए अगर आप 40-50 किलोमीटर पर भी रहते हैं तो। बोला चलो फिर तो कोई मतलब नहीं है। फिर यहीं पर आस पास हमने एक अच्छा सा होटल देखा, ये देखिए आप पीछे देख सकते हैं, दीदी का नाम, हाँ इन्होंने अभी नया सेटअप करा है देखिए यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा नेचर है इनका। हमने खाना भी यहीं पर बना के खाया और एकदम घर जैसा माहौल दिखा, अभी नया बनाई है इनका, तो आप लोग भी अगर चाहे तो यहाँ पे रुक सकते हैं। बेटा गाइस सामने से व्यू देखिए, ये हमारी बेटी उठ गई है और सुबह के बजे 5। तो इधर चेरी अंदर सो चुकी है, इधर शिवाय सो जाएगा, सारा सामान हमने बांध लिया है और पीछे का सामान रेडी हो चुका है। इधर अन्वेश भैया की फैमिली पूरी रेडी हो चुकी है, रेडी बस निकलने के लिए रेडी है। चिक्की शिवाय को लेना आइए, ये हमारे दोनों रूम थे, तो बस अब हम निकलते हैं। बोलो श्री मनसा मैया की जय। तो गाइज आप लोग भी कभी आए तो विशेष ध्यान रखें, सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको उपशी जो चेक पोस्ट है वो क्रॉस करनी ही पड़ेगी, वरना आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा चाहे आप कितना भी एफर्ट लगा लें। हम 3:30 बजे से 9 बजे के बीच में हम मनाली का आधा रास्ता खींच लेते कल, अब आज रात तक पहुँचेंगे, 10 घंटे का रास्ता है कम से कम। तो हमारी सहयात्री, हमारी अर्धांगिनी, हमारी धर्मपत्नी आगे वाली सीट पर आ चुकी है, वो शिवाय को पीछे सुला रही थी, एक बार से ऊपर से नीचे लाने में बच्चा उड़ जाता ना, तो अब खींचते हैं गाड़ी आगे और फटाफट पहुंचते हैं मनाली। तो गाइस देखो क्या व्यू है यार सामने, अब पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं आने वाले, अब बिल्कुल सन्नाटा उजाड़ आने वाला है। कोल्ड डेजर्ट में हम एंटर कर चुके हैं, ये देखिए वो सामने पीछे की तरफ जो दिख रहा है आपको, वो कौन सा पास है, तांगलांगला पास है, सेकेंड हाईएस्ट पास है 17,800 के आसपास। चलिए क्रॉस करते हैं उसको फटाफट। गाइस देख लीजिए यहाँ से फर्स्ट व्यू है तांगलांगला का, वैसे तो हमने तीसरे चौथे ब्लॉग में आपको दिखा दिया था, लेकिन यार इन जगह से मन नहीं भरता, यहाँ पर आना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है गाइस। देखिए पीछे आप देख सकते हैं तंगलांगला है ऊपर की तरफ, बस 5 से 6 मिनट में पहुंचने वाले हैं हम। अन्वेश जी का इंतजार कर रहे हैं, काफी पीछे रह गए शायद वो, और देख फिसला ना यहाँ पर। तो गाइज तांगलांगला टॉप पर आते आते ब्लैक आइस मिली हमें सड़कों पर, टायर काफी स्लिप मार रहा है गाड़ी, तो बहुत ही धीरे और सावधानी से चलाने की जरूरत है यहाँ पर। तो गाइज गाड़ियाँ फिसलना स्टार्ट हो चुकी है, पीछे भी 3-4 गाड़ी वाले रुके हुए थे, डर रहे थे, उन्होंने आप धीरे धीरे आओ। तो गाइज बहुत ज्यादा रिस्क की बात है यार, ब्रेक तो लगाना ही नहीं है यहाँ पर, ये बाइक वाले भी अभी देखो गिरे, ये जस्ट बिल्कुल कॉर्नर पर हमें लेके चलना पड़ेगा 10 की स्पीड पर बिल्कुल। ये देखिए सुबह निकलने का एक घाटा तो है ही है, ये देखिए बिल्कुल ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो सीधा नीचे खाई में जाएंगे। ये देखिए अपने आप चल रही है गाड़ी, अपने आप फिसल रही है, देखो देखिए गाइस यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्लिपी हो रहा है। ये देखो टायर कैसे स्लिप हो रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये देखो। सुबह जल्दी निकलने का एक फायदा है, तो सबसे बड़ा नुकसान ये भी है, अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं है तो आप बिल्कुल भी सुबह जल्दी ना निकले, धूप निकलने का इंतजार करें। और इधर एडवेंचर का लेवल देखिए, ये भाई लोग कहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं, देखिए ग्रेट यार।
मतलब माइनस में कैंपिंग कर रहे हैं यार। तो गाइस अब ये ट्रक क्रॉसिंग होगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लूं मैं भी गाड़ी। ये देखो कैसे टायर स्लिप मार रहा है, पूरे टॉर्क पे है, पूरी स्लिप मार रही है गाड़ी पूरी। यहाँ पर ब्रेक तो लगाना ही नहीं है बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए फर्स्ट गियर में गाड़ी रखो और बिल्कुल धीरे धीरे निकालते जाओ और जितना हो खाई से दूर रखो। ये देखो यहीं पे गिरे थे वो लोग कपल, ये स्लिप हो रही है, देखो कैसे जा रही है गाड़ी, बिल्कुल घूम रही है गाइस। भगवान भी सोच रहा है जाते जाते भी एडवेंचर लेकर जाओ तुम्हारा पूरा। गाड़ी फर्स्ट गियर में फुल टॉर्क में है और टायर मेरे हिसाब से फुल स्पीड से घूम रहा है। ये देखो सामने तो बिल्कुल ही बर्फ ही जमी हुई है गाइस, पूरा व्हाइट हो रखा है, पूरा व्हाइट। शिट ऊपर की तरफ देखो, अरे यार गाड़ी पूरे अपनी रेस पर है। ये देखिए कैसे झटके मार रही है। देखिए गाइस आगे भी बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई है, दिक्कत वाली बात है यार, फंस गए भाई आज तो फंस गए। नीचे ही लगा लो अभी, गाड़ियां फंसी हुई है क्या? गाड़ियां फंसी हुई है, इधर साइड में ले लेता हूँ। कोई बात नहीं, वो ट्रक फंसे हुए दिखते हैं आगे, ट्रक नहीं भरा बहुत ज्यादा है, गाड़ी फिसल रही है। तो गाइस ये देखो ये पूरी कांच की तरह हो चुकी है, देखो मतलब हल्का सा भी मैं जाऊँ ना मैं भी गिर सकता हूँ यहाँ पर, और जूते भी मेरे तो स्लिप होने वाले हैं। सामने सारा ट्रक, सारी गाड़ियां यहाँ पे रुकी हुई क्योंकि ट्रक का कोई भरोसा नहीं है, किसी को भी लपेट सकता है साथ में। ये देखिए पीछे अनवेश जी कहाँ रह गए, कुछ भी आइडिया नहीं है। यहाँ पे बीच में रुकना भी सेफ नहीं होता, अब थोड़ा बहुत तो डेयरिंग करना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या स्नोफॉल भी स्टार्ट हो चुकी है, देखिए हिम्मत करके अपन भी आगे बढ़ते हैं। इको स्पोर्ट वाला तो अटक चुका है, थार 4x4 है, थार वाला निकाल लेगा, ये इनोवा निकल जाए फिर अपन गाड़ी खींचते हैं। तो गाइस वहां से तो चढ़ा ली नीचे, देखिए टायर कैसे फ्री हो चुका है, देखिए बहुत दिक्कत वाली बात है यार। निकली 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 निकली। तो गाइस फाइनली ब्लैक आइस वाली पोजीशन हमने क्रॉस कर ली है, क्या बताऊं आपको, एडवेंचर पे एडवेंचर आए जा रहे हैं। पीछे अनवेश जी की यार बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अब यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर रुक के देखते हैं क्योंकि वहां पर बहुत जाम लग चुका है। बहुत ही डेयरिंग था यार, बहुत ही डेयरिंग था, अभी खत्म नहीं हुई है, वहां पर अटक रही थी गाड़ियां, अभी ये टोटल ब्लैक आइस चल रही है क्योंकि अभी तक हम टॉप पर नहीं पहुंचे हैं। तो गाइस देखिए सामने भी गाड़ियां अटक रही है, बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन हम यहीं पे रुकेंगे, उन गाड़ियों को पूरा जाने देते। सामने एक ट्रक फिसल रहा देखिए, और ये आ गया तंगलगा पास का टॉप, आपको झोपड़ी टाइप कुछ दिख रहा होगा आगे। अनवेश जी हमें दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, हम उनका वेट करेंगे तंगलगा पास पे कम से कम 15 से 20 मिनट। और यार देखो मोड़ रहा इधर हूं, गाड़ी उधर जा रही है। क्या प्रॉब्लम है यार, ये देखो देखो गाइस देखो कैसे स्लिप हो रही है गाड़ी, ये देखो किधर जा रहे हैं, ले रहा पहाड़ी की साइड हूं, जा रही खाई की साइड है, बड़ी बुरी स्थिति है यार। ये देखो फुल स्पीड दे रखी है मैंने फर्स्ट गियर में, ये देखिए आपको आवाज आ रही होगी यार, गाड़ी तो अपने मन से चल रही है, कोई कंट्रोल नहीं है गाइस गाड़ी पे, देखिए गाइस काफी मशक्कत के बाद हम पहुंच चुके हैं सेकंड टॉप तंगलगा पास। भाई गले में आ गई यार, उधर तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी, शायद आगे भी होगी अभी तो बर्फ। लाचुंगला मिलेगी ना, लाचुंगला 12 लाचा दोनों में बर्फ मिलनी है। तो गाइस यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुक सकते, फिसलन भी हो रही, देखो अभी मैं गिरता जूते में इतने गलत वाले पहनकर आ गया ना, बहुत जमा जमा के पैर करने पड़ रहे हैं, कुछ लग गई कर गई तो अभी गाड़ी खींचना भारी हो जाएगा। चलिए चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, बाहर नहीं खड़ा रहा जा रहा यार, और ऑक्सीजन की कमी और हो रही है। अब मेन डेयर होगा यहाँ से गाड़ी उतारना, ब्रेक लगते ही गाड़ी स्लिप होती है पूरी सीधी, चढ़ाना तो कैसे तैसे करके चढ़ा लिया, अब पूरा उतार में पूरी ब्लैक आइस है, कम से कम 2 किलोमीटर की गाइस, पता नहीं क्या होगा। चलिए माता रानी का नाम लेकर रवाना होते हैं। ये देखिए गाइस पूरी व्हाइट हो रखी है एकदम कांच की तरह, मैंने यहाँ तक कि रेस तक नहीं दे रखी गाड़ी की, गाड़ी अपने टॉर्क में चल रही है अपने आप, और गाड़ी फिसलती हुई चल रही है। और यहाँ पर सबसे मेन चीज है देखिए, मैं ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगा सकता हूँ, ब्रेक लगाया नहीं सीधा जाके गिरूंगा नीचे, ये देखिए
पहली बार ही पारा पड़ा है मेरा, लेकिन कैसे तैसे करके वहां से तो निकाल लिए। 1 किलोमीटर की बात है, एक तो ऑक्सीजन की कमी इतनी ज्यादा है ऊपर, आप 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते, आपकी सांस फूलने लग जाएगी। तो गाइज 2 से 2.5 किलोमीटर की ब्लैक आइस को क्रॉस करने के बाद हम फाइनली नॉर्मल रोड पर आ चुके हैं। नॉर्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे धूप पड़ रही है तो वो ब्लैक आइस पिघल चुकी है, वहां पर अभी तक धूप नहीं गिरी है। सब ठीक है गाइज, अब जाके हम नॉर्मल रोड पर आए, लेकिन ये खुशी बहुत देर की नहीं है। आगे गाटा लूप से जो है, जो 21 तरह के मोड़ है, बहुत ही शानदार, उसके बाद पांग आने वाला है, हमारा सबसे बड़ा विलियन। वहां से पांग से सरचू तक का रास्ता भाई साहब क्या रुला के रख देता है। हमारा शिवाय भी उठ चुका है। शिवाय गुड मॉर्निंग, गुडी गुडी मॉर्निंग। पाजी नेटवर्क आ रहा है क्या आपके यहाँ पे फोन का? तो गाइज यहाँ पे मैंने भाई लोगों से पूछा, उनकी भी सिम काम नहीं कर रही है। चलिए हम आगे से आगे गाड़ी खींचते हैं, कहीं ना कहीं तो नेटवर्क मिलेगा, उनसे कांटेक्ट होगा अनवेश जी से, तो वहाँ पे अपन लोकेशन कर देंगे। यहाँ पे ऐसे खड़े रहने से कोई भी मतलब नहीं, अब हमें पता ही नहीं वो आगे से रवाना हुए या नहीं हुए, तो हम गाड़ी खींचते हैं आगे। जहाँ पर भी एक मिड का जहाँ पर नेटवर्क मिलेगा किसी की भी, हम फोन लेके उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे। गाइज ये जो रोड चल रहा है आपको दिखने में बहुत मक्खन दिख रहा होगा, और सच में मक्खन है भी। ये अपन तंगलंगा पास से अपन पांग के ओर चलते हैं, तब ये आता है रोड बिल्कुल स्ट्रेट, और बहुत दूर दूर तक आपको एकदम डेजर्ट दिखेगा, फ्लैट एरिया। लेकिन आप यहाँ पे 40 से 50 किलोमीटर के स्पीड से ज्यादा ना चलाएं, कब आपको जंपर मिल जाएगा और आपकी गाड़ी इतना तेज उछल जाएगी, ये मैंने अपने लास्ट वाले ब्लॉग में भी बोला था। गाइज देखिए आपको सामने एकदम फ्लैट सरफेस दिख रहा होगा कि सामने पहाड़ है और पूरा पहाड़ से टच होता हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है आगे, मैं दिखाता हूँ आपको। मतलब कुदरत का करिश्मा बोलो या क्या बोलो इसको यार, मतलब कैसे बना होगा ये। तो गाइज फाइनली हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से कहानी का ट्विस्ट खत्म होता है। ये मेरे पीछे 50 किलोमीटर लंबा डेजर्ट है जो अभी हम कवर करके आ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि ये पूरा आपको फ्लैट दिख रहा होगा आगे चल के, लेकिन अब आपको मैं यहां से दिखाता हूं कितना खतरनाक व्यू है। खतरनाक तो क्या बोलेंगे, मतलब अजूबा ही कहो इसको। ये देखिए, ये कम से कम 1000 फीट गहरी खाई होगी। ये देखिए नीचे, मैं आपको दिखाता हूं 50 किलोमीटर लंबा हम डेजर्ट क्रॉस करके आ रहे हैं, और यहां पर आके एकदम से पूरा डीप है ये। ये देखिए नीचे से शायद कोई नदी वगैरह भी है, और ये सामने जो आपको दिखेगा ना, देखो ये रेतीले पहाड़ है, पूरे रेत के पहाड़ है। मैं भी बहुत डीप पे खड़ा हूँ, फिसल के सीधा नीचे जा सकता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ। मतलब हवा ने क्या काट काट के कलाकारी करी है, देखिए मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। और ये जो देखो सामने, एक तो हवा इतनी तेज चल रही है, और सामने देखो रेत के जो पहाड़ है उस पे हवा ने उनको काट काट के कैसी कलाकारी करी है, देखो जैसे कुछ महल टाइप बना हुआ हो या क्या चीज है। मतलब इसको देखते रहो आपको एकदम अजीब सी फीलिंग आएगी। ये देखिए इस जगह जाके ये बिल्कुल खत्म हो रहा है, ये इस जगह जाके बिल्कुल डेजर्ट खत्म हो रहा है, पूरा डीप में आ रहा है। और ये पहाड़ का साइज देखो आप, इस हिसाब से कितने 1000 फुट ऊंचा होगा ये देखिए। और वहां से अब हमारा पांग का रास्ता है नीचे उतरने का। तो ये हम पांग विलेज पहुंच चुके हैं, यहाँ पे साइड में आपको आर्मी का कैंप मिल जाएगा जहाँ पर डिस्पेंसरी वगैरह सब है। ये देखिए बस वहीं पर हम रुके थे, तो हम यहाँ पे रुकते हैं और वेट करते हैं। तो आज हम उधर की साइड वाले पे जहाँ पे पहले रुके थे वहाँ पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो एकदम ऑफ बीट है और इधर से पूरा सीधा रास्ता निकलता है, तो शायद वो अनवेश जी हमें मिल जाए। तो यहाँ पे हम नाश्ता पानी करने के लिए रुके हैं और रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच ही रुके ताकि हमारी गाड़ी देख के वो भी रुक जाए। तो पांग जो विलेज है, एक्चुअल में विलेज नहीं है, सीजनेबल यहाँ पे रहता है, ये ढाबे वगैरह जो भी है सब सीजनेबल होते हैं। 4-5 महीने का सीजन रहता होगा अंकल आपका? चार पांच, और कुल मिला के ये बता रहे हैं 16 से 17 यहाँ पे घर है। हाँ 16 से 17 घर है, तो मतलब जब जब ये मनाली लेह हाईवे ओपन होता है तब तक इनका सीजन रहता है, बाकी ये लेह चले जाते हैं अपने घर पे। देखिए जी इन्होंने बड़ा सुंदर अंदर बना रखा है, काफी गर्म है, बाहर एकदम सर्दी है। यहाँ पे बीच में यहाँ पर ये इसको क्या बुखारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बुहारी अपने यहाँ पे सिगड़ी बोलते हैं, इसमें गर्माश रहती है। तो ये छोटा सा इतना बढ़िया किचन बना रखा आंटी ने इधर। और ये देखिए यहाँ पे रात को आप रुक भी सकते हो, सोने का भी ये कर देते बंदोबस्त। क्या रेट रख रखी है आंटी सोने की रात को पर मेंबर? क्या 200 रुपए पर बेड के हिसाब से ले लेते हैं ये, पर हेड के हिसाब से। आलू पराठा आपको सब जगह अच्छा मिल जाएगा यहाँ पर। जी। तो चिक्की और बच्चों को मैंने अंदर भेज दिया, बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है। मैं यहाँ पे अनवेश जी का वेट कर रहा हूँ, करीब हम यहाँ पे 20 से 25 मिनट रुकने वाले हैं, उम्मीद है वो आ जाएंगे इतनी देर में, क्योंकि हम 20 से 25 मिनट पहले भी रुक चुके रास्ते में, लेकिन कोई मतलब नहीं रहा, बहुत ज्यादा हम दोनों के उसमें गैप आ चुका है, और हमें आज की डेट में किसी भी हालत में मनाली पहुंचना ही पहुंचना है। तो लो जी हमारा गर्मा गर्म पराठा रेडी है यार, यहाँ पे पराठों का साइज बहुत अच्छा है सभी जगह, शिवाय से वेट नहीं हो रहा। और ये गया बच्चों का फेवरेट। लो शिवाय मैं खिलाता हूँ, चेरी खा लो बेटा। थैंक यू जूले।
जुले बाय, जल्दी मिलेंगे। रेडी? अब आगे बैठोगे? चल ठीक है। तो गाइज रुलाने वाला रास्ता चालू हो चुका है पांग के बाद जो सरचू तक है, मतलब सरचू तक नहीं कह सकते, 20 से 30 किलोमीटर का जो रास्ता है ना गाइज, मतलब रुला के रख देगा आपको। वही चंगला पास वाली स्थिति है, कई कई जगह तो उससे भी ज्यादा खराब है। देखिए गाइज कैसे पहाड़ों को काट काट के रास्ता बनाया है, ये देखिए नीचे पूरी गहरी खाई है। तो गाइज हमारा नेक्स्ट पास आने वाला है, ये गाड़ी हमने साइड में लगा रखी क्योंकि वन वे पासिंग है यहाँ पर। लो जी तो हम पहुंच गए हमारे नेक्स्ट पास पे, लाचुंगला पास, जो कि 16,616। अब इतने ऊंचे ऊंचे पासेस पार कर लिए तो ये इतना ज्यादा कुछ खास लग नहीं रहा, हालांकि जाते टाइम भी इसको क्रॉस किया था लेकिन तब हवा बहुत तेज चल रही थी, बहुत तेज सर्दी थी, तो ये थोड़ा सूना सूना सा है यहाँ पर, ना तो ज्यादा कोई ट्रैफिक है ना ज्यादा लोग बाग रुके हुए हैं। तो चलिए हम भी अब निकलते हैं आगे। लो जी हम पहुंच गए एक और हाईएस्ट पास पे, नकीला पास। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है नकीला पास पर। 15,547 फीट की ऊंचाई है, लाचुंगला पास इससे ज़्यादा हाई था। तो यहाँ पर रुकने लायक कुछ खास है नहीं, बस एक लैंडमार्क बना दिया है इन्होंने, फोटो खिंचाओ और आगे बढ़ो। तो चलो हम भी आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ से एक जगह का नाम है गाटा लूप्स। गाटा लूप्स इसलिए है कि यहाँ पर अभी टोटल जो नीचे दिखाना, नीचे इतने कर्व्स आएंगे आपको, जिगजैग रोड होगा और टोटल लिखा हुआ था, हमने पढ़ा था 21 लूप्स है टोटल, 21 मोड़ के बाद आप नीचे पहुंचोगे सरचू तक, उसके बाद सरचू का रोड स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए गाइस कितना सुंदर व्यू है, जिगजैग व्यू है और नीचे आप देख सकते हैं नदी बह रही है। अब यहाँ से सरचू है केवल 15 किलोमीटर, मतलब ऑफिशियली हमने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है। क्या मजा आ रहा है गाइस गाड़ी चलाने में, ऐसा रोड ये देख लो आप, ले के बाद अभी मिला है हमें, पर थोड़ी देर की खुशी है ये क्योंकि आगे देख लो धूल उड़ रही है ना जहाँ पर ट्रक आ रहा है, बस वहां से वापस ऑफ रोड स्टार्ट है। गाइस यार देखो इस ब्रिज से पुरानी लकड़ियां हैं, कितनी कितनी पुरानी लकड़ियां उनके ऊपर से लेके जा रहे हैं, बहुत डर लगता है यार। जो आवाज आ रही है ना उसका 10% भी आप लोग फील नहीं कर सकते इसमें। देखिए सरचू पहुंचते ये टेंट वगैरह और ये सब आपको दिखने लग जाएंगे। ये जो झोपड़ी दिख रही है आपको कोने में लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे हमने खाना बनाया था, खाना तो क्या तूफानी नमकीन चावल बनाए थे, आपने व्लॉग में देखा होगा। हमारे एक 12 लच्चा पास हमारा मेन अभी रहेगा क्रॉस करने का, करते हैं वो भी जल्दी से। यहाँ पे जितने भी पुराने ब्रिज है उनपे एक बार में एक ही वाहन निकल सकता है, उसी के पास में नए देखो कितना बड़ा लेवल का ब्रिज बन रहा है ये देखिए। तो काम तो रेगुलर चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, आने वाले 3-4 सालों में सलंग रोड हो जाएगा शानदार वाला, मतलब आप लोगों को आने में मजा आएगा, डर नहीं लगेगा। हाँ जी तो सरचू पूरी तरह से क्रॉस करने के बाद अब बारी है 12 लच्चा पास की। तो हमारा शिवाय वापस से उठ चुका है और रोस्टेड बादाम खा रहा है आराम से, और बहुत आतंक मचा रखा है इसने गाड़ी के अंदर। देखो पूरा पहाड़ी लग रहा है ना, छोटी छोटी सी आंखें हो गई है और फटे हुए गाल हो गए, ये क्या हम सभी पहाड़ी लग रहे हैं अब तो, पूरे दिल से भी पहाड़ी थे अब शरीर से भी पहाड़ी हो गए। तो गाइस हमने चढ़ाई चालू कर दी है 12 लच्चा पास की, उसके बाद आएगा दारचा और उसके बाद तो भैया अपना गांव आने वाला है मनाली। तो गाइस यहाँ देखिए जगुआर क्रैश हो चुकी है, दिल्ली नंबर है, पर चलो बढ़िया हुआ कुछ किसी कुछ लगी नहीं है, वरना सीधे खाई में जाते हैं। क्या बात है भाई, भगा रहा है पूरा, ये 1 घंटे में ले पहुंचाएगा गाड़ी को। गाइस जहां तक नजर जा रही है बर्फ की दीवार दिखेगी आपको यार, 25-25 फुट ऊंची दीवार है देखिए आप, बिल्कुल एंड तक, और पत्थर की तरह चट्टाने बन चुकी है। ये देखिए जी यहाँ पे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है, थोड़ी सी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे कई गुना ज्यादा हम करके आ चुके हैं। देखो गाइस सामने एकदम जेब्रा की तरह हो गई है, देख चुकी जेब्रा क्रॉसिंग बोल सकते हैं इसको अपन, मतलब कुदरत की क्या कलाकारी होती है, एकदम जेब्रा की तरह लग रहा है, व्हाइट और ब्लैक देखो गाड़ी में से। वेयर आर यू फ्रॉम? इजराइल। ग्रेट। तो आज के आखिरी हमारे 12 लच्चा पास आज का आखिरी पास है, इसके बाद सीधा दारचा, दारचा के बाद जिसपा, जिसका होगा केलोंग, उसके बाद अपना शहर मनाली, अपना हो गया भाई अब तो। चलिए चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत सही टाइम पे अपने गाड़ी खींच ली है, आज बिल्कुल खाली पड़ा है। 4 दिन पहले जब यहाँ से आए थे बहुत ज्यादा रश था और मौसम भी खराब था, स्नोफॉल मिली थी आपने देखा होगा। सामने देखिए लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, देखिए ये भाई बीच रोड पे फोटो क्लिक करवा रहे हैं खुद की, और पीछे पूरा जाम लगवा दिया है ये देखिए, ये सूरज ताल लेके इधर
और पीछे ट्रक वगैरह आ चुके हैं। लो जी, हमने क्रॉस कर लिया जिंगजिंग बार। अब यहाँ से अटल टनल है 91 किलोमीटर, केलोंग है 52 किलोमीटर। तो मनाली से लेकर रास्ते में बीच में आती है दीपकताल लेक। बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत खूबसूरत लेक है। जाते टाइम हमारा या तो ध्यान नहीं गया इस पे, या हो सकता है हम जल्दी में थे। इसका पानी देखिए आप, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और यहाँ पे काफ़ी लोग बाग देखिए, पता नहीं हमारा ध्यान कैसे नहीं गया। ये देखिए कितनी गाड़ियाँ रुकी हुई है। हाँ जी, दारचा आने वाला है और हमारा मोबाइल नेटवर्क उससे पहले आ चुका है। आपको बता नहीं सकते कितना खुशी की बात है। पूरे रास्ते का लाहौल में जब एंट्री होती है, ये सबसे बड़ा ब्रिज यही लगा। मैं मेरे हिसाब से करीब और करीब ये आधा से पौन किलोमीटर लंबा ब्रिज होगा। ये देखिए चले जा रही है गाड़ी, 1 किलोमीटर भी हो तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत लंबा ब्रिज है, इतना लंबा ब्रिज पूरे रास्ते में कहीं भी नहीं दिखा। तो दारचा क्रॉस करते ही जिस्पा 3 से 4 किलोमीटर बचा है यहाँ पर। और खूबसूरती देखिए आप, वापस धीरे धीरे हरियाली बढ़ती जा रही है, साइड में नदी बहती रहेगी आपके। बाकी बहुत प्यारी जगह है जिस्पा। अगर आपको एकदम ऑफ बीट जगह और केवल कैंपिंग और एकदम शांति के लिए चाहिए ना, तो आप यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल रिवर साइड बढ़िया कैंप लो जैसे हमने लिया था, और आराम से 1-2 दिन चिल मारो। जिस्पा क्रॉस करने के बाद 5 से 6 किलोमीटर अगर आप आगे चलोगे मनाली की तरफ, अगर आप लेह से आ रहे हैं तो, और मनाली से आ रहे हो तो वो पहले पड़ेगा गैमूर करके एक जगह है, बहुत शानदार रिवर साइड वहाँ पे कैंपिंग लोकेशन है, खुद की कैंपिंग भी कर सकते हो आप। ये देखिए यहाँ से देखिए व्यू। लो जी, तो हम पहुँच गए केलोंग। यहाँ पर कुछ खाते पीते हैं और चाय पीते हैं, और उसके बाद सीधी गाड़ी खींचते हैं मनाली। तो बच्चों के लिए वेज सैंडविच ऑर्डर किया है और 3 कप हमने मसाला चाय ऑर्डर किया है। ऑलराइट गाइस, तो चाय नाश्ता हो गया, एक हल्का फुल्का बच्चों को क्या, और सुबह से दिन भर से गाड़ी रोकी नहीं मैंने, और सुबह एक बार का पांग में आपको दिखाया था, हैवी नाश्ता खिला दिया। देखो गाइस, ये चंद्रा और भागा रिवर का संगम मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था। ये तांडी ब्रिज है, इसी के इस इसका नीचे से रास्ता काटता है, और आप कुछ देर यहाँ पे बिता सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। ऊपर देखो भाई, स्नो के पहाड़, और शायद स्नोफॉल भी हो रही है उसमें, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। गाइस, ये जगह तो आपको याद ही होगी, 2 दिन रहे हैं यार यहाँ पे कैंपिंग करिए। यार लगाव सा हो गया इस जगह से, मतलब घर जैसा लग रहा है। तो सामने सिसु वाटरफॉल है, नीचे वही हेलीपैड। देखिए ये जो दोनों तरफ, मैंने पहले भी बताया था आपको, दोनों तरफ जितने भी पेड़ है ना, ये अगर आप ऑटम सीजन में आओगे ना, एकदम येलो कलर के पत्ते दिखेंगे एकदम। कभी ऑटम सीजन में आपका आने का चांस बने तो बिल्कुल ये वैली देखना, वरना आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ये काफी वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सामने देख सकते हैं आप अटल टनल, हमें ये ब्रिज क्रॉस करके हमारी तरफ जाना, और इस सामने की तरफ जाओगे तो देखो वो पहाड़ दिख रहा है, अभी तो बादलों में होगा, रोहतांग पास और स्पीति वैली का रास्ता है, वो खोखसर विलेज वगैरह होता हुआ। तो चंद्रताल लेक जाना, तो अब तो रास्ता खुल चुका है ये, तो हम अभी उस साइड नहीं जाएंगे, हम जाते हैं हमारे ठिकाने पर। तो गाइस सामने का मौसम देखिए, और भुट्टे वाले भैया दिख गए। कहाँ से हो भैया आप? यूपी से। लो एक बढ़िया वाला भुट्टा खिला दो भैया। हाँ सेको शानदार वाला। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। ये बेटा चेहरा खाओ, गरम है गरम, अच्छे से पकड़ो, गिराना मत, शिवाय को भी खिलाओ। तो यार बहुत सारी थकान हो गई थी, लेकिन यहाँ का जो हमने मौसम देखा ना मनाली का, सच में यार मनाली मनाली है, जन्नत है। कैसा लगा? तो गाइस यार भुट्टा खा के बहुत मजा आ गया, एक ही लिया था क्योंकि अभी वहाँ पर भी नाश्ता करा था थोड़ी देर पहले। तो जल्दी से जल्दी अब लोकेशन पे पहुँचते हैं, आधा घंटा बता रहा है यहाँ से। लो जी सोलांगवेरी का माहौल देख लो, रुकने का मन तो नहीं है, लेकिन चिक्की ने बोला चलो 1-2 फोटो क्लिक करा लेते अपन। बोला चलो ठीक है, फिर पार्किंग एकदम फुल है, गाड़ी का खड़ी करे कुछ भी नहीं पता।